मौसम की शरारत। सआदत हसन मंटो। शाम को सैर के लिए निकला और टहलता टहलता उस सड़क पर हो लिया जो कश्मीर की तरफ जाती है। सड़क के चारों तरफ चीड़ और देवदार के दरख्त ऊंची ऊंची पहाड़ियों के दामन पर काले फीते की तरह फैले हुए थे। कभी कभी हवा के झोंके इस फीते में एक कपकपाहट सी पैदा कर देते। मेरे दाएं हाथ पर एक ऊंचा टीला था जिसके ढलवानों में गंदम के हरे पौधे नहायत ही मध्यम सरसराहट पैदा कर रहे थे। ये सरसराहट कानों पर बहुत भली मालूम होती थी। आंखें बंद कर लो तो यूं मालूम होता कि तसव्वुर के गदगदे कालीनों पर कई कंवारियां रेशमी साड़ियां पहने चल फिर रही हैं। इन ढलवानों के बहुत ऊपर चीड़ के ऊंचे दरख्तों का एक हुजूम था। बाएं तरफ सड़क के बहुत नीचे एक छोटा सा मकान था जिसको झाड़ियों ने घेर रखा था। उससे कुछ फासले पर पस्त कद झोंपड़े थे जैसे किसी हसीन चेहरे पर तिल। हवा गीली और पहाड़ी घास की भीनी भीनी बास से लदी हुई थी। मुझे इस सैर में एक नाकाबिले बयान लज्जत महसूस हो रही थी। सामने टीले पर दो बकरियां बड़े प्यार से एक दूसरे को अपने नन्हे नन्हे सींगों से रेल रही थीं। उनसे कुछ फासले पर कुत्ते का एक पिल्ला जो कि जसामत में मेरे बूट के बराबर था, एक भारी भरकम भैंस की टांग से लिपट लिपट कर उसे डराने की कोशिश कर रहा था। वो शायद भौंकता भी था क्योंकि उसका मुंह बार बार खुलता था मगर उसकी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुंचती थी। मैं ये तमाशा देखने के लिए ठहर गया। कुत्ते का पिल्ला देर तक भैंस की टांगों पर अपने पंजे मारता रहा मगर उसकी इन धमकियों का असर ना हुआ। जवाब में भैंस ने दो तीन मर्तबा अपनी दुम हिला दी और बस। लेकिन एकाएक ही जबकि पिल्ला हमले के लिए आगे बढ़ रहा था, भैंस ने जोर से अपनी दुम हिलाई। किसी सियाह सी चीज को अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो इस अंदाज से उछला कि मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मैं उनको छोड़कर आगे बढ़ा। आसमान पर बादल के सफेद टुकड़े फैले हुए बादबान मालूम होते थे जिनको हवा इधर से उधर धकेल रही थी। सामने पहाड़ की चोटी पर एक कदावर दरख्त संतरी की तरह अकड़ा हुआ था। उसके पीछे बादल का एक टुकड़ा झूम रहा था। बादल, ये दराज का दरख्त और पहाड़ी तीनों मिलकर बहुत बड़े जहाज का मंजर पेश कर रहे थे। मैं नेचर की इस तस्वीर कशी को बेखुद होकर देख रहा था कि दफ़तन लॉरी के हॉर्न ने मुझे चौंका दिया। ख्यालों की दुनिया से उतर कर मैं आवाज़ों की दुनिया में आ गया। मन की आंखें बंद हो गईं, मसामों के सारे कान खुल गए। मैं फौरन सड़क के एक तरफ हट गया। लॉरी परकार की तरह बड़ी तेजी से मोड़ के निस्फ दायरे पर घूमी और हवा होती हुई मेरे पास से गुजर गई। एक और लॉरी गुजरने पर मोड़ के अकब में पांच छह गायें नमूदार हुईं जो सर लटकाए हौले हौले चल रही थीं। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। जब ये मेरे आगे से गुजर गईं तो मैंने कदम उठाया और मोड़ की जानिब बढ़ा। चंद गजों का फासला तय करने पर जब मैं सड़क के बाएं हाथ वाले टीले के एक बहुत बड़े पत्थर के आगे से निकल गया जो मोड़ पर संगीन पर्दे का काम देकर सड़क के दूसरे हिस्से को बिल्कुल ओझल किए हुए था, तो दफ़तन मेरी नज़रें एक खुदरा पौधे से दो चार हुईं। वो जवान थी, उस गाय की तरह जवान जिसके पट्टे जवानी के जोश से फड़क रहे थे और जो उसके पास से अपने अंदर हजारों कपकपाहटें लिए गुजर रही थी। मैं ठहर गया। वो एक नन्हे से बछड़े को हाँक रही थी। दो तीन कदम चलकर बछड़ा ठहर गया और अपनी जगह पर ऐसा जमा कि हिलने का नाम ना लिया। लड़की ने बहुतेरा जोर लगाया, लाख जतन किए, वो एक कदम आगे ना बढ़ा और कान समेट कर ऐसा खामोश हुआ गोया वो किसी की आवाज़ ही नहीं सुनता। ये तेवर देख लड़की ने अपनी छड़ी से काम लेना चाहा, मगर चीड़ की पतली सी टहनी कारामत साबित न हुई। थक हार कर उसने बड़ी मायूसी और इंतहाई गुस्से की मिली जुली हालत में अपने दोनों पाँव जमीन पर जोर से मारे और कांधों को जुम्बिश देकर इस अंदाज से खड़ी हो गई गोया उस हैवान से कहना चाहती है, लो अब हम भी यहाँ से एक इंच न हिलेंगे। मैं अभी लड़की की इस प्यारी हरकत का मज़ा लेने की खातिर जहन में दोहराने ही वाला था कि दफ़तन बछड़ा खुद ब खुद उड़ भागा। वो उस तेज़ी के साथ दौड़ रहा था कि उसकी कमज़ोर टांगें मेज़ के ढीले पायों की तरह लड़खड़ा रही थीं। लड़की बछड़े की इस शरारत पर बहुत हैरतनाक और खशमनाक हुई। न जाने मैं क्यों खुश हुआ कि इसी असना में उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। हम दोनों बयक वक्त हंस पड़े। फिजा पर तारों का छिड़काव सा हो गया। ये सब कुछ एक लम्हे के अंदर अंदर हुआ।
اس نے پھر میری طرف دیکھا، مگر اس دفعہ سوال کرنے والی لاج بھری آنکھوں سے۔ شاید اس کو اب اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اس کی مسکراہٹ کسی غیر مرد کے تبسم سے جا ٹکرائی ہے۔ وہ گہرے سبز رنگ کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ آس پاس کی ہریاول نے اپنی سبزی اسی سے مستعار لی ہے۔ اس کی شلوار بھی اسی رنگ کی تھی۔ اگر وہ کرتا بھی اسی رنگ کا پہنے ہوتی تو دور سے دیکھنے والے یہی سمجھتے کہ سڑک کے درمیان ایک چھوٹا سا درخت اگ رہا ہے۔ ہوا کے ملائم جھونکے اس کے سبز دوپٹے میں بڑی پیاری لہریں پیدا کر رہے تھے۔ خود کو بیکار کھڑی دیکھ کر اور مجھ کو اپنی طرف گھورتے پا کر وہ بے چین سی ہو گئی اور ادھر ادھر یوں ہی دیکھا کہ جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر اپنے دوپٹے کو سوار کر اس نے اس طرف کا رخ کیا جدھر گائیں آہستہ آہستہ جا رہی تھیں۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر بائیں ہاتھ پتھروں کے پاس کھڑا تھا جو سڑک کے کنارے کنارے دیوار کی شکل میں چنے ہوئے تھے۔ جب وہ میرے قریب آئی تو غیر ارادی طور پر اس نے میری طرف نگاہیں اٹھائیں، لیکن فوراً سر کو جھٹک کر نیچے جھکا لی۔ کولے مٹکاتی اور چھڑی ہلاتی میرے پاس سے یوں گزری جیسے کبھی کبھی میرا اپنا خیال میرے ذہن سے اپنا کاندھا رگڑ کر گزر جایا کرتا ہے۔ اس کے سلیپر جو غالباً اس کے پاؤں میں کھلے تھے سڑک پر گھسٹنے سے شور پیدا کر رہے تھے۔ تھوڑی دور جا کر اس نے اپنے قدم تیز کیے اور پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ 20-25 گز کے فاصلے پر وہ پتھروں سے چنی ہوئی دیوار پر پھرتی سے چڑھی اور مجھے ایک نظر دیکھ کر دوسری طرف کود گئی۔ پھر دوڑ کر ایک جھونپڑے پر چڑھ کر منڈیر پر بیٹھ گئی۔ اس کی یہ حرکات یعنی میری طرف اس کا 3 بار دیکھنا، کیا اس کی مسکراہٹ کے ساتھ میرے تبسم کے کچھ ذرے تو نہیں چمٹ گئے تھے؟ اس خیال نے میری نبض کی دھڑکن تیز کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگی۔ میرے پیچھے جھاڑیوں میں جنگل کے پنچھی گیت برسا رہے تھے۔ ہوا میں کھلی ہوئی موسیقی مجھے کس قدر پیاری معلوم ہوئی۔ نہ جانے میں کتنے گھونٹ اس راگ ملی ہوئی ہوا کے غٹاغٹ پی گیا۔ جھونپڑے سے کچھ دور جھاڑیوں کے پاس لڑکی کی گائیں گھاس چر رہی تھیں۔ ان سے پرے پتھریلی پگڈنڈی پر ایک کشمیری مزدور گھاس کا گٹھر کمر پر لادے اوپر چڑھ رہا تھا۔ دور بہت دور ایک ٹیلے سے دھواں بل کھاتا ہوا آسمان کی نیلاہٹ میں گھل مل رہا تھا۔ میرے گرد و پیش پہاڑیوں کی بلندیوں پر ہرے ہرے چیڑوں اور سانولے پتھروں کے چوڑے چکلے سینوں پر ڈوبتے سورج کی زرین کرنیں سیاہ اور سنہرے رنگ کے مخلوط سائے بکھیر رہی تھیں۔ کتنا سندر اور سہانا سما تھا۔ میں نے اپنے آپ کو عظیم الشان محبت میں گھرا ہوا پایا۔ وہ جوان تھی، اس کی ناک اس پینسل کی طرح سیدھی اور ستواں تھی جس سے میں یہ سطریں لکھ رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں، میں نے اس جیسی آنکھیں بہت کم دیکھی ہیں۔ اس پہاڑی علاقے کی ساری گہرائیاں ان میں سمٹ کر رہ گئی تھیں۔ پلکیں گھنی اور لمبی تھیں۔ جب وہ میرے پاس سے گزری تھی تو دھوپ کی ایک لرستی ہوئی کرن اس کی پلکوں میں الجھ گئی تھی۔ اس کا سینہ مضبوط اور کشادہ تھا، اس میں جوانی سانس لیتی تھی۔ کاندھے چوڑے، باہیں گول اور گدراہٹ سے بھرپور، کانوں میں چاندی کے لمبے لمبے بندے تھے، بال دیہاتیوں کی طرح سیدھی مانگ نکال کر گندھے ہوئے تھے جس سے اس کے چہرے پر وقار پیدا ہو گیا تھا۔ وہ جھونپڑے کی مٹیالی چھت پر بیٹھی اپنی چھڑی سے منڈیر کوٹ رہی تھی۔ میں سڑک پر کھڑا تھا۔ کس قدر بے وقوف ہوں، دفتن میں نے ہوش سنبھالا اور اپنے دل سے کہا، اگر کوئی مجھے اس طرح اس کو گھورتا ہوا دیکھ لے تو کیا کہے؟ اس کے ساتھ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جب میں نے ان الفاظ پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں کسی اور ہی خیال میں تھا۔ اس احساس پر مجھے ہنسی آ گئی اور یوں ہی ایک بار اس کو اور دیکھ کر سیر کے ارادے سے آگے بڑھا۔ 2 ہی قدم چل کر مجھے خیال آیا کہ یہاں بٹوت میں صرف چند روز قیام کرنا ہے، کیوں نہ رخصت ہوتے وقت اس کو سلام کر لوں۔ اس میں حرج ہی کیا ہے، شاید میرے سلام کا ایک آدھ ذرہ اس کے حافظے پر ہمیشہ کے لیے جم جائے۔ میں ٹھہر گیا اور کچھ دیر منتظر رہنے کے بعد میں نے سچ مچ اس کو سلام کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ماتھے کی طرف بڑھایا، مگر فوراً اس احمقانہ حرکت سے باخبر ہو کر ہاتھ کو یوں ہی ہوا میں ہلا دیا اور سیٹی بجاتے ہوئے قدم تیز کر دیے۔ مئی کا گرم دن شام کی خنکی میں آہستہ آہستہ گھل رہا تھا۔ سامنے پہاڑیوں پر ہلکا سا دھواں چھا گیا تھا جیسے خوشی کے آنسو آنکھوں کے آگے ایک چادر سی تان دیتے ہیں۔ اس دھندلکے میں چیڑ کے درخت تحت شعور میں چھپے ہوئے خیالات معلوم ہوئے۔ یہ ایک ہی قطار میں پھیلتے چلے گئے تھے۔
मेरे पास ही एक मोटा सा कौवा अपने सियाह और चमकीले पर फैलाए सुस्ता रहा था। हवा का हर झोंका मेरे जिस्म के इन हिस्सों के साथ छूकर जो कपड़ों से आज़ाद थे, एक ऐसी मोहब्बत का पैगाम दे रहा था जिससे मेरा दिल इससे पहले बिल्कुल नाआशना था। मैंने आसमान की तरफ निगाहें उठाईं और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरी तरफ हैरत से देखकर ये कहना चाहता है, सोचते क्या हो, जाओ मोहब्बत करो। मैं सड़क के किनारे पत्थरों की दीवार पर बैठ गया और उसकी तरफ डरते डरते देखा कि मबादा कोई राहगुजार सारा मामला ताड़ जाए। वो इसी तरह सर झुकाए अपनी जगह पर बैठी थी। उसे खेल में क्या लुत्फ आता है, वो अभी थकी नहीं। क्या उसने वाकई दोबारा मेरी तरफ मुड़कर देखा? क्या वो जानती है कि मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ? आखिरी सवाल किस कदर मजहका खेज था। मैं झेंप गया, लेकिन इसके बावजूद उसको देखने से खुद को बाज न रख सका। एक मर्तबा जब मैंने उसको देखने के लिए अपनी गर्दन मोड़ी तो क्या देखता हूँ कि उसका मुंह मेरी तरफ है और वो मुझे देख रही है। मैं मखमूर हो गया। मेरे और उसके दरमियान वो फासला काफ़ी था, मगर मेरी आंखें, जिनमें मेरे दिल की बसारत भी चली आई थी, महसूस कर रही थीं कि वो सपनों का घूंघट काढ़े मेरी तरफ देख रही है, मेरी तरफ। मेरे सीने से बेख्तियार आह निकल गई। अजीब बात है कि सुख और चैन का हाथ भी दर्द भरे तारों पर ही पड़ता है। इस आह में कितनी राहत थी, कितना सुकून था। उस लड़की ने जो मेरे सामने झोपड़े की छत पर बैठी थी, मेरे शबाब के हर रंग को शोख कर दिया था। मेरे रुएं रुएं से मोहब्बत फूट रही थी। शेरियत जो मेरे सीने के किसी नामालूम कोने में सोई पड़ी थी, अब बेदार हो चुकी थी कि दोशीजगी और शेरियत तो बहने हैं। अगर उस वक्त वो मुझसे हम कलाम होती तो मैं एक लफ्ज तक अपनी जबान से ना निकालता। खामोशी मेरी तर्जुमान होती, मेरी गूंगी जबान कितनी बातें उस तक पहुँचा देती। मैं उसको अपनी खामोशी में लपेट लेता, वो ज़रूर मुतहैर होती और इस हालत में बड़ी प्यारी मालूम होती। इस ख्याल से कि रास्ते में यूं बेकार खड़े रहना ठीक नहीं, मैं दीवार पर से उठा। मेरे सामने टीले पर जाने के लिए एक पगडंडी थी। ऊपर टीले के किसी पत्थर पर बैठकर मैं उसको बखूबी देख सकता था। चुनांचे दरख्तों की जड़ों और झाड़ियों का सहारा लेकर मैंने ऊपर चढ़ना शुरू किया। रास्ते में दो तीन बार मेरा पाँव फिसला और नोकीले पत्थरों पर गिरते गिरते बचा। टीले पर जहाँ पत्थर नहीं था, कहीं कहीं ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों में आलू बोए हुए थे। इसी किस्म के एक नन्हे से खेत को तय करके मैं एक पत्थर पर बैठ गया और टोपी उतारकर एक तरफ रख दी। मेरे दाएं हाथ को ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें गंदम उग रही थी। चढ़ाई की वजह से मेरा दम फूल गया था, मगर शाम की ठंडी हवा ने यह थकान फौरन ही दूर कर दी और मैं जिस काम के लिए आया था उसमें मशगूल हो गया। अब वो झोपड़े की छत पर खड़ी थी और खुदा मालूम वो कैसी कैसी अनोखी आवाज़ें निकाल रही थी। मेरा ख्याल है कि वो उन दोनों बकरियों को सड़क पर चढ़ने से रोक रही थी जो घास चरती हुई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर का रुख कर रही थी। हवा तेज थी, गंदम के पके हुए खोशे खुरखुर करती हुई बिल्ली की मूछों की तरह थरथरा रहे थे। झाड़ियों में हवा की सीटियाँ शाम की खामोश फिजा में इर्तियाश पैदा कर रही थीं। मिट्टी के ढेलों के साथ खेलता हुआ मैं उसकी तरफ बहुत देर तक देखता रहा। वो अब झोपड़े पर बड़े अजीब अंदाज से टहल रही थी। एक मर्तबा उसने अपने सर को जुम्बिश दी तो मैं समझा कि वो मेरी मौजूदगी से बाखबर मुझे देख रही है। मेरी हस्ती के सारे दरवाजे खुल गए। जाने कितनी देर मैं वहाँ बैठा रहा। एकाएक ही बदलियाँ घिराईं और बारिश शुरू हो गई। मेरे कपड़े भीग रहे थे, लेकिन मैं वहाँ से क्यों कर जा सकता था जबकि वो वहीं छत पर खड़ी थी। इस ख्याल से मुझे बड़ी मुसर्रत हासिल हुई कि वो सिर्फ मेरी खातिर बारिश में भीग रही है। अचानक बारिश तेज़ हो गई। वो उठी और मेरी तरफ देखे बगैर, हाँ मेरी तरफ निगाह उठाए बगैर छत पर से नीचे उतरी और दूसरे झोपड़े में दाखिल हो गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बारिश की बूंदें मेरी हड्डियों तक पहुँच गई हैं। पानी से बचाव करने के लिए मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं, मगर पत्थर और झाड़ियाँ पनाह का काम नहीं दे सकती थीं। डाक बंगले तक पहुँचते पहुँचते मेरे कपड़े और ख्यालात सब भीग गए। जब वहाँ से सैर को निकला था तो एक खुश्क आदमी था, रास्ते में मौसम ने शायर बना दिया। वापस आया तो भीगा हुआ आदमी था, सिर्फ भीगा हुआ। बारिश सारी शायरी बहा ले गई थी।